Hi friends, I am Swati. In this video, I am going to solve mathematics portion of one of the previous year question paper of CTET paper 1. इस वीडियो में हम पिछले सालों में से एक क्वेश्चन पेपर लिया है हमने CTET पेपर 1 का. इसमें हम मैथमेटिक्स पोर्शन सॉल्व करेंगे, पूरी डिटेल सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करेंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 31 क्वेश्चन. The assessment of what children learn in mathematics in primary classes should not focus on understanding of the mathematical concepts, development of mathematical language, preciseness in answering mathematics problems, development of reasoning skills. यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब हम प्राइमरी लेवल पर मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं तो हमें जब उनका असेसमेंट करना होता है बच्चों का कि बच्चों को कितना आया है हमने जो पढ़ाया है उनमें से, उसमें हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे नहीं होना चाहिए, किस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए और किस चीज़ पे नहीं करना चाहिए. यहाँ पर नहीं करना चाहिए फोकस, वो वाले चीज़ पूछी है. सो फर्स्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स. मैथमेटिक कॉन्सेप्ट उस बच्चों को कितना समझ आए हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर बढ़ी है मैथमेटिक्स कल कॉन्सेप्ट्स को लेकर, इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए. सेकेंड वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज. मैथमेटिकल लैंग्वेज उन्हें कितनी यूज़ करनी आई है, कितना डेवलपमेंट हुआ है उन्हें मैथमेटिकल लैंग्वेज को लेकर, इस चीज़ पर भी फोकस करना चाहिए. थर्ड वन इज़ प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम. प्रिसाइजनेस का मतलब होता है कि एग्जैक्ट वही चीज़ जो पढ़ाया जाए वही उनको उसी टाइप से आ रही है या नहीं ये चीज़. तो इस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं जब हम उनका असेसमेंट करते हैं कि उनको वही एग्जैक्ट चीज़ वैसे बता पा रहे हैं जैसे सिखाई गई है या नहीं, तो ये मेन फोकस नहीं होता. फोर्थ वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल्स. रीजनिंग स्किल्स डेवलपमेंट करनी होती है उनके अंदर क्योंकि उनकी एज के अकॉर्डिंग एक एज आती है, उस पर रीजनिंग स्किल्स का डेवलप करना ज़रूरी होता है, फोकस करना. तो आंसर ऑफ 31 क्वेश्चन इज़ थर्ड वन, प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम. द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 32. व्हाट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड इन डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन एलिमेंट्री क्लासेस. एलिमेंट्री क्लासेस होती हैं 6 to 8. 6 to 8 में जब भी हम कोई भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो हमें कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट है ड्राइंग पिक्चर्स, सेकंड वन यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंसेस, एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज. जब भी हम कोई भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे 6 to 8 क्लास में से किसी को भी, तो सबसे पहले हम फॉलो करना चाहिए हमें वो है प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंसेस. जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ाते हैं उससे पहले हमें बहुत सारे एग्जांपल्स प्रोवाइड करने होते हैं, किसी चीज़ को TLM यूज़ करते हैं, एक्सपीरियंसेस यूज़ करते हैं, जिससे कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो. तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंसेस. नाउ सेकेंड वन इज़ उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं क्या यूज़ करके, लैंग्वेज यूज़ करके. सबसे पहले प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंसेस, सेकेंड वन इज़ एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज. नाउ द थर्ड शुड बी ड्राइंग पिक्चर्स. पहले प्रोवाइड किए एक्सपीरियंसेस, उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया कि हमने क्या प्रोवाइड किया है, क्या होना चाहिए इसमें, उसके बाद हम उससे रिलेटेड पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं. एंड द फोर्थ वन इज़ यूजिंग सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन. फिर उसको लिख कर समझाते हैं जो भी हमने प्रोवाइड किया है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन फॉलो होता है सेकेंड ऑप्शन, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड. ओके, करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. अ चाइल्ड सब्ट्रैक्टेड टू नंबर्स एज शोन बिलो. यहाँ पर एक सब्ट्रैक्शन दिखाया गया है, 83 में से 27 को माइनस किया गया है और इसका आंसर 64 बताया गया. ये कैलकुलेशन एक चाइल्ड ने की है. अब इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स आइडिया अबाउट द चाइल्ड्स लर्निंग ऑफ सब्ट्रैक्शन. इसमें पूछा गया है कि जिस तरीके से किसी बच्चे ने इसको सॉल्व किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, उसको क्या प्रॉब्लम आई है इनमें से, जो क्या यूज़ किया है उसने, क्या आइडिया लेकर उसने ये सॉल्व किया है. इन चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर को चूज़ करना है.
The child has misconceptions about place value in the process of subtraction. The child does not know how to subtract. The child knows the process of subtraction of two-digit numbers. It is a mistake and it can be rectified by repeated practice. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि उसको मिसकंसेप्शन है चाइल्ड को, उसको पता नहीं है कि प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ होता है सब्ट्रैक्शन में. सेकंड ऑप्शन कहता है कि चाइल्ड को पता नहीं है कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है. पर इसमें तो चाइल्ड ने एक चीज़ सही की है, देखिए 83 और 27 वंस प्लेस पे उसने 7 में से 3 को माइनस किया है इसलिए उसने 4 लिखा है, और टेंथ प्लेस पे उसने 8 में से 2 को माइनस किया है तो उसने 6 लिखा है. तो एक साइड उसने सही सॉल्व किए, एक साइड उसने गलत सॉल्व किया, तो उसको सब्ट्रैक्शन तो आती है बट तो सेकेंड ऑप्शन हमें यहाँ पे करेक्ट नहीं है. थर्ड ऑप्शन इज द चाइल्ड नोज द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर. उसने ये आइडिया लेके तो सॉल्व नहीं किया है. ऑप्शन थर्ड, द चाइल्ड नोज द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर. चाइल्ड को पता है कि दो टू डिजिट्स नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे करना है. ये यहाँ पर आइडिया नहीं देता है क्योंकि इसमें उसने 7 में से 3 को माइनस किया है जो कि गलत है, और एक साइड का ठीक है जो 8 में से 2 को माइनस किया है, तो उसको टू डिजिट का सब्ट्रैक्शन नहीं आता है. ठीक है, ये आंसर भी ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. फोर्थ ऑप्शन इज इट इज़ अ मिस्टेक एंड इट कैन बी रेक्टिफाइड बाई रिपीटेड प्रैक्टिस. ये एक गलती है, ये रिपीटेड प्रैक्टिस के थ्रू सही की जा सकती है. तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फर्स्ट वन. द चाइल्ड हैज़ मिसकंसेप्शंस अबाउट प्लेस वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो हमें किसी भी चीज़ सम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो उसमें हमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसी की मदद से हम सॉल्व कर पाते हैं. अब जैसे इस यहाँ पर देखिए, वंस प्लेस पे उसने 3 में से कैरी लेकर 8 में से कैरी लेकर जो 13 में से 7 को माइनस करना चाहिए था वो उसने नहीं फॉलो किया है क्योंकि उसे प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि हमें वंस प्लेस पे अगर कोई ऊपर डिजिट स्मॉल है तो ऐसे कैरी लेकर माइनस करना है, तो उसको मिसकंसेप्शन से प्लेस वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन. ओके, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन हेयर. नाउ 34th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ साइकिल ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर. फर्स्ट, टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट. सेकेंड, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट. थर्ड, डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स. फोर्थ, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग फीडबैक ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग एंड प्रोग्रेस. यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें साइकिल ऑफ लर्निंग के स्टेप्स हैं ये, और असेसमेंट के, इसे हमें ऑर्डर में लगाना है. फर्स्ट है टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट. हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेट करनी चाहिए असेसमेंट के साथ साथ, कि हम पढ़ा भी रहे हैं और उसके साथ साथ उनका असेसमेंट भी कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं उनको कितना आया है. ओके, सेकंड में कहा गया है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट. प्लानिंग कर रहे हैं और फिर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि हमें कैसे पढ़ाना है और कैसे असेसमेंट करना है. थर्ड वन, डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स. प्रोग्रेस रिपोर्ट डेवलप करनी है कि उन्हें कितना आया, कितना सीख रहे हैं बच्चे, उसके बारे में उनको रिपोर्ट तैयार करनी है बच्चों की. फोर्थ ऑप्शन, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग फीडबैक ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग इन प्रोग्रेस. रिपोर्ट तैयार करनी है और उन्हें उनसे फीडबैक मांगना है बात करके कि उन्हें किस कितना आया है, कितना नहीं आया, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. इसमें सबसे पहले हमें फॉलो करना चाहिए वो होगा सेकेंड ऑप्शन, प्लानिंग. सबसे पहले किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग ना. जैसे कि अगर हमें किसी भी चीज़ का बिजनेस खोलना है, उसके लिए हमें सबसे पहले प्लानिंग की ज़रूरत होगी. प्लानिंग के बिना हम कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते हैं. अगर हम सिस्टमैटिकली नहीं चलेंगे तो वो हम अचीव कैसे कर पाएंगे, बैरियर्स आएंगे बहुत सारे. तो इसलिए सबसे पहले हमें हर चीज़ की प्लानिंग करनी चाहिए, फिर हमें उसे ऑर्गेनाइज कैसे करना है इस चीज़ को सोचना चाहिए. तो सेकेंड ऑप्शन इज़ शुड कम फर्स्ट. नाउ उसके बाद आएगा
टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट, उसके प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइज कैसे करना चाहिए, टीचिंग लर्निंग के साथ साथ उसे असेसमेंट कैसे करना है बच्चों का, ये दोनों एक साथ चलाने चाहिए, इंटीग्रेट करने चाहिए एक दूसरे से, ठीक है, जोड़ने चाहिए। उसके बाद आता है डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट, बच्चों को कितना आ रहा है उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना, कितना डेवलप कर हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है उनके अंदर। फोर्थ ऑप्शन इज रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग फीडबैक ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग एंड प्रोग्रेस, उसके बाद हमें उनसे फीडबैक मांगना चाहिए रिपोर्ट तैयार करने के बाद कि उनको किस चीज़ में प्रॉब्लम है, कितना वो सीख गए हैं। तो है द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, सेकेंड, वन, थर्ड, फोर्थ। ओके, नाउ 35th, वाई आर रोमन न्यूमरल्स नॉट कॉमनली यूज इन राइटिंग नंबर्स लाइक द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, जो रोमन नंबर्स होते हैं उनको कॉमनली यूज़ क्यों नहीं किया जाता हिंदू अरेबिक नंबर्स जैसे हम लिखते हैं वैसे ही, वैसे लिखने में यूज़ क्यों नहीं किया जाता, इसमें ये पूछा गया है। जैसे रोमन नंबर्स कौन से होते हैं ऐसे लिखने वाले, रोमन नंबर्स कौन से होते हैं जो ऐसे लिख, ऐसे जैसे एक्स वन वन, जैसे हमने लिखा 12, हमने लिखा 5th 4th, ये रोमन नंबर्स होते हैं, हम इनको ऐसे नॉर्मली हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि क्यों, इसमें से हमें एक ऑप्शन चूज़ करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट, सॉरी, द रोमन न्यूमरल्स डू नॉट एम्प्लॉय प्लेस वैल्यू सो कैलकुलेशंस आर डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म यूजिंग दीज न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में कहा है कि रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं वो प्लेस वैल्यू एम्प्लॉय नहीं करते हैं, तो कैलकुलेशन इनमें डिफ़िकल्ट हो जाती है नंबर्स को परफॉर्म करने की, यूज़ करने की। सेकेंड ऑप्शन इज़ नो, रोमन न्यूमरल्स आर डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, ये याद रखने में मुश्किल होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स इज़ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, जब रोमन न्यूमरल में हमें नंबर फॉर्म करने होते हैं उसे बहुत डिफ़िकल्ट टास्क माना गया है, ये कहा गया है इसमें। फोर्थ ऑप्शन इज़ चिल्ड्रन गेट कन्फ्यूज विद ईच, सॉरी, चिल्ड्रन गेट कन्फ्यूज विद इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड रोमन न्यूमरल्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो कन्फ्यूज हो जाते हैं और रोमन नंबर के बीच में वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हिंदू अरेबिक नंबर्स के स्टाइल में फॉर्म में हम क्यों नहीं लिखते हैं रोमन नंबर को, क्योंकि द रोमन न्यूमरल्स डू नॉट एम्प्लॉय प्लेस वैल्यू सो कैलकुलेशंस आर डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म दीज नंबर्स, जैसे कि हम 1, 2, 3, 4, 45, 36 ऐसे नंबर्स लिखते हैं, इसमें तो प्लेस वैल्यू का सिस्टम यूज़ होता है ना, 1, 10, 100, 1000, 3-digit number, 2-digit number, ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल स्टाइल है, तो इसमें हमें प्लेस वैल्यू का सिस्टम यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, इसी वजह से हम सही और करेक्ट डिजिट लिख पाते हैं। लेकिन जो रोमन नंबर्स होते हैं उसमें हम प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज़ ही नहीं करते, उसमें यूज़ ही नहीं होता है, तो कैलकुलेशंस डिफरेंट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं उन नंबर्स को लिखने की, तो इस वजह से हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं हिंदू अरेबिक नंबर के स्टाइल में रोमन नंबर्स को। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हुआ फर्स्ट, द रोमन नंबर्स न्यूमरल्स डू नॉट एम्प्लॉय प्लेस वैल्यू सो कैलकुलेशंस आर डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म यूजिंग दीज न्यूमरल्स। ओके, नाउ 36th क्वेश्चन, अ टीचर इनकरेजेस द चिल्ड्रन इन हर क्लास टू एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड देम इन देयर ओन वर्ड्स, वॉट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर टू डू सच एन एक्टिविटी विद हर स्टूडेंट। इसमें पूछा, कहा गया है कि टीचर बच्चे को इनक्रेज करती है अपनी क्लास के किसी भी बच्चे को कि एक्सप्लेन करो जो भी तुम्हें अपने आसपास फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं उनके बारे में तुम क्या समझते हो, उनके बारे में खुद से बताओ, वो इस चीज़ के लिए उनको इनक्रेज करती है, पूछती है। तो इसमें हमें सबसे अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ढूंढना है टीचर का, क्या हो सकता है कि वो क्यों ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कराना चाह रही है बच्चों से। फर्स्ट ऑप्शन इज़ इट इज़ वेरी एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विच कैन बी परफॉर्म इन फ्री टाइम फॉर रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ शेप्स। सेकेंड ऑप्शन, चिल्ड्रन इन्जॉय एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्ट्स इन देयर ओन लैंग्वेज लाइक दे इन्जॉय प्लेइंग डम करेक्टर्स लिखना चाहिए था यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन, इट मेक्स चिल्ड्रन ऑब्जर्व द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनफॉर्मली विच डीपेंस देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट शेप्स। हाँ,
फोर्थ ऑप्शन इज इट इज यूजफुल एक्टिविटी विच इंट्रोड्यूस अ चाइल्ड टू द शेप्स. फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, टीचर इसलिए पूछती है, जो कि फ्री टाइम में भी की जा सकती है शेप्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए. तो ये तो मेन ऑब्जेक्टिव नहीं लग रहा हमें यहाँ पर टीचर का, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं. तो टीचर ने यही वाली क्यों चूज़ की, क्योंकि कोई अलग चीज़ वो सोचना चाह रही होगी. सेकेंड ऑप्शन है चिल्ड्रन एन्जॉय एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्ट इन देयर ओन लैंग्वेज एंड लाइक दे एन्जॉय प्लेइंग डम. करेक्ट, इसमें कहा है कि चिल्ड्रन एन्जॉय करेगा, करता है अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए करना ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि वो डम करेक्टर्स को प्ले करने में करता है. नहीं, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. थर्ड वन, इट मेक्स द चिल्ड्रन ऑब्जर्व द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनफॉर्मली विच डीपेंस द अंडरस्टैंडिंग अबाउट शेप्स. दो जो टीचर का मेन ऑब्जेक्टिव होगा इस चीज़ के पीछे कि एक्सप्लेन करो अपने अराउंड फिजिकल शेप्स की प्रॉपर्टीज़ को, वो ये होगा क्योंकि वो जो बच्चे के नॉलेज है शेप्स के बारे में वो गहराई से अंडरस्टैंड करवाना चाह रही है कि उनको उनके बारे में डीपली समझ आए. इस वजह से तो इसका थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है. इट मेक्स अ चिल्ड्रन ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व करेंगे अपनी फिजिकल अराउंड चीज़ों को, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को, तब वो बताएंगे कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया खुद से, तो उनकी डीप नॉलेज इंक्रीज होगी. इट डीपेंस देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट शेप्स. दिस इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस एक्टिविटी. ऑप्शन थर्ड वन इज करेक्ट. ओके, नाउ 37th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 37, द मैथमेटिक्स यूज बाय इलिटरेट शॉपकीपर इज नॉट यूजफुल इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम, is very useful in solving mathematical problems, has ambiguity and very low level of correctness in it, should be discussed by the teacher in classroom as an alternate strategy in solving related problems. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो illiterate shopkeepers होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिन्होंने पढ़ा नहीं होता है कभी कोई भी मैथमेटिक कॉन्सेप्ट, वो उनकी जो मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिक्स को यूज़ करने का तरीका होता है, वो उस बारे में हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है कि वो मैथमेटिक्स क्लासरूम में यूज़ होना चाहिए. फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है सॉरी इट इज़ नॉट यूजफुल इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, क्या ये यूज़फुल नहीं होता मैथमेटिक्स क्लासरूम में. सेकेंड ऑप्शन इज़ वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, क्या ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत अच्छा तरीका होता है. थर्ड, हैज़ एम्बिग्यूटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इन इट, इसमें क्लैरिटी नहीं होती है और इसका इसमें करेक्टनेस की कोई वो नहीं होती है गारंटी. फोर्थ वन इज शुड बी डिस्कस्ड बाय टीचर इन क्लासरूम एज एन अल्टरनेट स्ट्रेटजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पर जो इलिटरेट शॉपकीपर्स होते हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस को यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई भी शॉप कीपर है उसको बताना है कि एक चॉकलेट है 500 की और कोई उसे लेकर जा रहा है कि उसमें डिस्काउंट दिया है 10% का, तो वो भी किसी ना किसी वजह किसी ना किसी तरीके को यूज़ करके ही कैलकुलेट करेगा ना, तो वो उसका तरीका होगा क्योंकि उसने कभी पढ़ी नहीं है मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट मैथ्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ कोई भी कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो उसकी जो यूज़ करने का तरीका होगा उसको बताना है कि हमें मैथमेटिक्स में यूज़ होगा नहीं होगा, या उसकी करेक्टनेस पे जो गारंटी होती है वो बहुत लो लेवल की होती है या नहीं, या फिर वो हमें डिस्कस करना चाहिए क्लासरूम में एक अल्टरनेट स्ट्रेटजी दूसरी स्ट्रेटजी को यूज़ करके मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. तो इसका सही ऑप्शन मुझे फोर्थ लगता है, फोर्थ ही इसका सही ऑप्शन है. शुड बी डिस्कस बाय द टीचर, टीचर्स के थ्रू ये डिस्कस करना चाहिए उनका तरीका, इलिटरेट शॉपकीपर का मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का तरीका यूज़ करना चाहिए क्लासरूम में, डिस्कस करना चाहिए ताकि बच्चों को पता चले कि ये भी एक ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की. करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन. नाउ 38, हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन मैथमेटिक्स क्लासरूम. मैथमेटिक्स के क्लासरूम में वेट
I am repeating the question. Question number 38. How should a teacher handle a heterogeneous group of children in a mathematics classroom? मैथमेटिक्स क्लासरूम में टीचर को जो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे टाइप्स के जो चिल्ड्रन होते हैं, हर एक चिल्ड्रन को कैसे क्लास में हैंडल करना चाहिए किसी भी टीचर को, इसमें ये पूछा है। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट वन इज़ बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ सेम एबिलिटी टुगेदर एंड गिविंग देम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। जो सेम एबिलिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, जो जिनके अंदर सारी एक जैसी एबिलिटीज़ होती हैं, उनको एक साथ ग्रुपिंग कर उनकी, और उनको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देकर। सेकेंड वन इज़ बाय ग्रुपिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन द सेम क्लासरूम, कि सारे डिफरेंट एबिलिटी स्टूडेंट्स को ग्रुपिंग कर एक ही क्लासरूम में, सारे बच्चों को एक साथ ग्रुप कर एक ही क्लासरूम में, ये ऐसे हैंडल करना चाहिए। या फिर थर्ड वन बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज टुगेदर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। हाँ, ये दिस वन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, कि जो जितने भी तरीके के जितने भी टाइप्स के चिल्ड्रन हैं जिनकी अलग अलग डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, उनको एक साथ बिठाकर डिफरेंट एबिलिटीज, जैसे कि किसी के अंदर कुछ एबिलिटी है तो किसी के अंदर किसी टाइप की एबिलिटी है, अलग अलग एबिलिटीज़ के चिल्ड्रन को एक साइड को ग्रुप कर एक साथ ग्रुप में बिठाकर वो एक दूसरे की चीज़ों को सीखेंगे। जो उसके अंदर पहले से ही एबिलिटी है वो दूसरे बच्चे को सिखा सकेगा, और जो दूसरे बच्चे में है वो और बाकियों को सिखा सकेगा। इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे हैंडल करने में बहुत यूज़फुल मेथड होता है। फोर्थ ऑप्शन में कहा क्या गया है कि बाई डूइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लो एबिलिटी चिल्ड्रन इन द क्लास एंड गिविंग द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एज होम असाइनमेंट्स टू हायर एबिलिटी चिल्ड्रन। नहीं, ऐसा तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि बच्चों को लो एबिलिटी और हायर एबिलिटी चिल्ड्रन में ग्रुप कर दो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ 39th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड सच दैट चिल्ड्रन मे बी टोल्ड सम स्मॉल स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्वेज टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव्ड बाई चिल्ड्रन टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर ईयर एंड एग्जामिनेशन। इसमें कहा है कि जो मैथमेटिक्स सीखते हैं बच्चे, मैथमेटिक्स को पढ़कर चीज़ें सीखते हैं, उसको वो कहाँ जहाँ भी अप्लाई करते हैं उसके आउटकम्स कैसे होते हैं, उसको हम लर्निंग आउटकम्स कहते हैं, कि उन्होंने जो सीखा वो अप्लाई कर पा रहे हैं। वो द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप किए जाते हैं वो क्यों, ताकि बच्चे सच दैट्स चिल्ड्रन में बी टोल्ड स्मॉल स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन, ताकि वो स्मॉल स्टेप्स बता सके हर एक कैलकुलेशन का, या फिर टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन वेरियस एजुकेशन सर्वेस, जितने भी टाइप्स के एजुकेशन सर्वेस होते हैं उसमें वो अचीव कर सकें, उनकी अचीवमेंट इंक्रीज हो, या फिर टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल टू बी अचीव बाई चिल्ड्रन। क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज जो वो पूरी कर सके, स्किल्स अचीव कर सके हर एक चिल्ड्रन अपने अंदर, या फिर टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर ईयर एंड एग्जामिनेशन, या फिर सिर्फ जो एग्जामिनेशन होते हैं एनुअल एग्जामिनेशन उनके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, लर्निंग आउटकम्स बच्चों के अंदर डेवलप किए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड वन, टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज, जो उनकी क्लास के अंदर जितनी भी कॉम्पिटेंसीज आ रही है, डिफ़िकल्टीज या फिर कॉन्सिक्वेंसीज जितने भी चीज़ों को लेकर मैथमेटिक्स में से रिलेटेड, वो उसको सॉल्व कर पाएँ, उससे रिलेटेड सारी स्किल्स सीख पाएँ, अचीव कर पाएँ, इसलिए लर्निंग आउटकम्स डेवलप किए जाते हैं मैथमेटिक्स में बच्चों के अंदर। नाउ ऑप्शन थर्ड वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी। क्लासरूम में जितनी भी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी, जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कराई जाती हैं, वो इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो एक्टिविटी में इंक्लूड होती है। फर्स्ट वन, टीचर एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू सम्स, टीचर को एक्सप्लेन करना कि वो सम्स कैसे सॉल्व करें बच्चे। सेकेंड, चिल्ड्रन रिसाइटिंग काउंटिंग इन फॉर्म ऑफ राइम्स, जो
पोएम के रूप में बच्चों को रिसाइट करना सिखाना कि काउंटिंग को कैसे हम पोएम के फॉर्म में बोलें या रिसाइट करें। थर्ड वन, चिल्ड्रन कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड से कॉपी करना। चिल्ड्रन एंगेज इन एक्सप्लोरेशन, कि जो एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि वो जो सीखते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं, जितनी भी नॉलेज गेन करते हैं उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाते हैं और गहराई से सीखना, इस चीज़ को हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन फोर्थ वन है कि एक्टिविटी कौन सी किस क्या मानी जाएगी कि चिल्ड्रन एंगेज इन एक्सप्लोरेशन। नाउ 41 क्वेश्चन, टू डेवलप स्किल ऑफ काउंटिंग अमंग चिल्ड्रन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्न एज प्री नंबर कॉन्सेप्ट। प्री नंबर कॉन्सेप्ट जब हम सिखाते हैं बच्चों को, उसको पढ़ाने में इनमें से कौन सी चीज़ उसकी स्किल डेवलप कराने में कौन सा ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। टू डेवलप स्किल ऑफ काउंटिंग की स्किल अगर हमें डेवलप करानी है बच्चों में, तो हमें इन ऑप्शन में से किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू बी लर्न एज प्री नंबर कॉन्सेप्ट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, सेकेंड सीरिएशन, थर्ड रिसाइटिंग नंबर नेम्स रेंडमली, फोर्थ क्रिएटिंग ग्रुप्स। पहला है कि वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि फेस टू फेस। ओके, सेकेंड इज सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब जो सीक्वेंसिंग होती है, सीरियल वाइज चीज़ें जो लगाते हैं नंबर्स। और रिसाइटिंग नंबर नेम्स रैंडमली, नंबर नेम्स जो होते हैं उनको रैंडमली बोलना, कैसे बोला जाता है, रिसाइट किया जाता है। क्रिएटिंग ग्रुप्स क्रिएट करना। इसमें जो ज़रूरत नहीं होती है प्री नंबर कॉन्सेप्ट को में काउंटिंग स्किल डेवलप कराने में, वो है रिसाइटिंग नंबर नेम्स रैंडमली, कि हमें रैंडमली नंबर नेम्स नहीं बोलने होते हैं। क्योंकि प्री नंबर कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पर है कि किसी भी नंबर कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले जो स्किल डेवलप करानी होती है हमें, उसमें रैंडमली नंबर नेम को रिसाइट करना नहीं रिक्वायर होता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है रिसाइटिंग नंबर नेम्स रैंडमली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 42। ऑन आस्किंग अ चाइल्ड व्हाट इज एरिया, ही शी आंसर्ड लेंथ इनटू ब्रेथ। व्हाट कैन यू से अबाउट द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। यहाँ पर कहा गया है कि चाइल्ड से पूछने पर कि एरिया क्या होता है, व्हाट इज़ एरिया, तो वो आंसर करता है या करती है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ किस चीज़ का एरिया होता है, रेक्टेंगल का। अब यहाँ पर उसको ये नहीं पूछा गया था कि तुम रेक्टेंगल का एरिया बताओ, यहाँ पर सिर्फ उसको एरिया पूछा गया था, लेकिन उसने रेक्टेंगल का बताया लेंथ इनटू ब्रेथ। व्हाट, तो हम क्या कहेंगे कि उसने क्या सोच कर ये बताया, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया के बारे में। तो फर्स्ट ऑप्शन है द चाइल्ड हैज़ नो आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। नहीं, आइडिया तो है, उसको पता है एरिया क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो पता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकेंड, द चाइल्ड यूज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज जनरल आइडिया ऑफ एरिया ऑफ एनी क्लोज शेप। हाँ, उसने रेक्टेंगल के एरिया को ही किसी भी अदर क्लोज शेप का एरिया माना है, समझा है, ये चीज़ उसने सोचकर आंसर दिया है कि उसने रेक्टेंगल के एरिया को ही आंसर बताया है, चाहे वो किसी और चीज़ का भी एरिया हो। तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन, द चाइल्ड यूज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज जनरल आइडिया ऑफ एरिया ऑफ एनी क्लोज शेप। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, बाकियों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि सेकेंड ऑप्शन हमें करेक्ट मिल चुका है। अगर आप पढ़ना भी चाहें तो थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि द चाइल्ड इज़ राइट इन सेइंग एरिया इज लेंथ इन टू ब्रेथ, कि चाइल्ड सही बता रहा है एरिया लेंथ इन टू ब्रेथ। जब हम ये भी नहीं कह सकते वो सही बता रहा है, लेकिन जो चीज़ उसे पूछी गई है वो उस चीज़ का आंसर नहीं है, उससे पर्टिकुलरली रेक्टेंगल का एरिया नहीं पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर तो गलत माना जाएगा, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, इतना कह सकते हैं हम। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है द चाइल्ड इज़ कन्फ्यूज बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। नहीं, वो एरिया और पेरीमीटर कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज नहीं है। एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया ही है किसी चीज़ का, तो उसने एरिया में ही बताया, उसने पेरीमीटर में कंफ्यूजिंग नहीं हुई है, उसको कंफ्यूजन नहीं हुई है।
ओके, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है सेकंड। 43 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स लर्निंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है मैथमेटिक्स को सीखने के रिस्पेक्ट में। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न। नहीं, बहुत बच्चे मैथमेटिक्स को इतना इन्जॉय करते हैं, इतने अच्छे नंबर्स स्कोर करते हैं, तो उनको बहुत, कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो उनको तो डिफ़िकल्ट नहीं लगता। ये सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। सेकेंड ऑप्शन, जनरली गर्ल्स आर वीकर इन मैथमेटिक्स। नहीं, इट इज़ अ स्टीरियोटाइपिकल थिंकिंग। ये एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़कियां वीक होती हैं मैथ्स पढ़ने में। लड़कियां भी बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ती हैं, इवन सारी सब्जेक्ट्स बॉयज़ और गर्ल्स पढ़ सकते हैं अच्छे से, अगर वो पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, एवरीबॉडी कैन लर्न मैथमेटिक्स। हर कोई मैथमेटिक्स पढ़ सकता है, सीख सकता है, हाँ ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन इज, मैथमेटिक्स कैन ओनली बी लर्न बाय रिग्रस प्रैक्टिस। रिग्रस प्रैक्टिस से ही हम मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो है थर्ड। हर कोई मैथमेटिक्स को सीख सकता है, क्योंकि किसी के को हम ऐसे जज नहीं कर सकते हैं कि ये कर सकते हैं या वो सीख सकते हैं। हर कोई सीख सकता है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नाउ 44, टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम, अ टीचर हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अ शीट ऑन विच फोर राइट एंगल ट्राइंगल्स वर ड्रॉन एंड आस्क द चिल्ड्रन टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाने के लिए टीचर ने सबको एक एक शीट प्रोवाइड की, डिस्ट्रीब्यूट की, जिसपे राइट एंगल ट्राइंगल्स ड्रॉ हुए हुए थे, चार राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हुए हुए थे। और चिल्ड्रन से पूछा टीचर ने कि इसमें रिलेशनशिप बताओ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल में। तो इसमें टीचर ने कौन सा मेथड यूज़ किया है, इसमें ये पूछा गया है। इन द अबव सिचुएशन द टीचर यूज इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, लेक्चर मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड। और लेबोरेटरी मेथड, तो देखो इंडक्टिव मेथड वो होता है जिसमें टीचर पहले एक्सपीरियंसेस या मॉडल या TLM प्रोवाइड करती है, या फिर पहले एग्जांपल्स प्रोवाइड करती है, टॉपिक पर बाद में आती है मेन कॉन्सेप्ट पे। और डिडक्टिव मेथड वो होता है जिसमें पहले ही एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि टॉपिक क्या है, उसके बाद एग्जांपल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेक्चर मेथड जो होता है पूरा एक लेक्चर एक कॉन्सेप्ट पे जिसमें सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं लेक्चर दिया जाता है। और लेबोरेटरी मेथड जिसमें लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स यूज़ करके पढ़ाया जाता है, जैसे स्केल, प्रोटेक्टर, कंपस वगैरह। तो यहाँ पर टीचर ने सबसे पहले एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है, एग्जांपल प्रोवाइड की है, कंक्रीट एग्जांपल शीट प्रोवाइड की जिसपे चार राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हुए हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल प्रोवाइड करना और फिर कॉन्सेप्ट पे आना, ये इंडक्टिव मेथड की करेक्टरिस्टिक है। तो इसका सही ऑप्शन है इंडक्टिव मेथड। नाउ 45 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ कॉन्सेप्ट मैप्स। कॉन्सेप्ट मैप्स क्या होते हैं कि जो हमें मैप्स को और अच्छी तरीके से पढ़ाने में, समझने में काम आते हैं, चीज़ें जो यूज़ होती हैं उसे पिक्चराइज करने में, उसको डीपली अंडरस्टैंड करने में। और इसमें से कौन सी उसके बारे में ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पे ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन, कॉन्सेप्ट मैप्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स एंड लिंक्स कनेक्टिंग देम। ये सही ऑप्शन है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं कि इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो चीज़ शो करते हैं। कॉन्सेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाई टीचर्स ओनली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट मैप्स सब और भी लोग बना सकते हैं। थर्ड, कॉन्सेप्ट मैप्स आर हायरार्किकल इन नेचर। ये हायरार्किकल होते हैं नेचर में। नहीं। फोर्थ, कॉन्सेप्ट मैप्स हेल्पिंग लिंकिंग प्रायर नॉलेज टू अ न्यू कंस्ट्रक्शन। तो वो प्रायर नॉलेज को इंटीग्रेट भी करते हैं न्यू कंस्ट्रक्ट, उसको नई इंस्ट्रक्ट करने में। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो है टू, सेकेंड नंबर ऑप्शन। यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैप्स में के बारे में ये चीज़ सही नहीं है कि कॉन्सेप्ट मैप्स सिर्फ टीचर के द्वारा बनाए जा सकते हैं, नहीं ये गलत है। पर इसमें पूछा गया है कि द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट मैप,
तो हमारा ऑप्शन होगा सेकेंड, कॉन्सेप्ट मैप शुड बी कंसल्टेड बाई टीचर्स ओनली. ओके नाउ 46 क्वेश्चन. अब यहाँ तक 45 क्वेश्चन तक तो हमारे मैथमेटिक्स थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन थे. अब हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ गए हैं जो कि हमें सॉल्व करके आपको बताने होंगे. ओके नाउ नंबर 46, 2/3 + 4/5. ये तो बहुत इजी है, इसको आपको एलसीएम निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं. 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15. आप 15 देखिए, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15. अब 15 के ऊपर हम 2/3 × 15 करेंगे, 2/3 × 15, तो क्या होगा? 3 से 15 कट होगा 5, एंड 2 × 5 10. 10 प्लस 4/5, 4/5 × 15 करेंगे, 5 से 15 कटेगा 3, 4 × 3 = 12. तो इसको प्लस करके कितना आएगा? इनको प्लस करके आ जाएगा 22/15. अब 22/15 को हम एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं? 15 आप कितना बचा? 7/15. 1/7 इसका आंसर होगा. करेक्ट, सही ऑप्शन होगा थर्ड वन. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 47. फॉर द गिवन शेप्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ये जितनी भी शेप्स दिए हैं इनमें से कौन ऑप्शन में कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑल आर पैरेललोग्राम्स, ये सारे पैरेललोग्राम्स हैं. अब देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, मेन प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, सारी नहीं डिस्कस हुई, जो इससे रिलेटेड है वो बता रही हूँ. अपोजिट साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, अपोजिट एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, डायगनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, पैरेललोग्राम. तो इसमें सारे तो पैरेललोग्राम दिख रहे हैं आपको, ठीक है, सबकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, डायगनल्स भी बाइसेक्ट कर रहे हैं. अगर आप डायगनल्स ड्रॉ करके देखना चाहते हो, सेकेंड ऑप्शन वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इसमें से कोई एक पैरेललोग्राम नहीं है. पर ये तो सारे पैरेललोग्राम हैं, इनमें से कौन सा पैरेललोग्राम नहीं है? पैरेललोग्राम सभी आपको दिख रहे हैं, ये भी, इसमें से सारे ये भी सब पैरेललोग्राम है, सबकी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, डायगनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर. तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि मतलब सही नहीं है, इनमें से कोई एक पैरेललोग्राम नहीं है, ये कहा गया सेकेंड ऑप्शन में, जो कि सही नहीं है. ठीक है, यहाँ पे सारे ही पैरेललोग्राम हैं. तो 47 का करेक्ट आंसर हुआ सेकेंड. और अगर आप 3 और 4th ऑप्शन को देखना चाहें तो इसमें क्या कहा है? 2 ऑफ देम आर रॉम्बस, इनमें से रॉम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब इसमें से दिख रहे हैं कि सारे के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, एंगल्स दिए नहीं हैं, लेकिन हाँ आप देख सकते हैं खुद ही कि यहाँ पे रॉम्बस की प्रॉपर्टीज भी पूरी कंसिडर की जा सकती हैं. और 4th ऑप्शन इज 2 ऑफ देम आर रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल भी हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बाइसेक करते हैं 90 डिग्री पे. तो इसमें से जो ऑप्शन सेकेंड है वो करेक्ट है. ठीक है नाउ 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ नंबर 11,111. इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरी स्टेटमेंट को 11,111? अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? 11,000 आप कैसे लिख सकते हैं? 1100. और 1100 आपको कैसे लिख सकते हैं? 1100. और 11 कैसे लिख सकते हैं? 11. अब देखिए, अब अगर हम इनको प्लस करते हैं तो कितना आंसर आएगा? 0 + 0 + 1 = 1, 0 + 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1. अब देखिए ये क्या आया? 1 2 1 1 1. हाँ, तो 11,111 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे. तो सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा माना जाएगा? सेकेंड. 48 का सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ 49, द पॉइंट्स ए एंड बी रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन एज शोन बिलो. एक लाइन नंबर लाइन दी हुई है, इसमें आपको दिखाया गया है कि ए और बी ऑप्शन और कुछ डिजिट्स भी शो की गई हैं, 25,000, 39,000, 61,000. इसमें पूछा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी का डिस्टेंस कितना होगा यूनिट्स में. जो आप देखिए, जो 25,000 फर्स्ट में दिखाया गया है उसके और ए के बीच में कितने डॉट्स नज़र आते हैं आपको? 2.
टू डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना आपको। अब ए और बी, ए और 39 के बीच में थ्री डॉट्स हैं, यहाँ पर टू डॉट्स हैं, 1 2, यहाँ पे थ्री डॉट्स हैं, और ए और बी के बीच में टोटल जितनी भी डॉट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी 10 डॉट्स हैं। अब देखिए 25 और 39, इन दोनों के बीच में कितनी डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स हैं। अगर हम इनको डिवाइड कर दें 25 और 39 के बीच का डिफरेंस जो है वो आता है 14,000। अब 14,000 को हम इन बीच में डॉट्स में डिवाइड करना है, कैसे करेंगे देखिए। अगर हम दो दो के गैप पे रखते हैं, जैसे कि 25,000 है, सेकेंड डॉट पे रखते हैं 27, थर्ड डॉट पे रखते हैं 29, फोर डॉट पे रखते हैं 31, ए पे तो फिर ए की डिजिट आ जाती है 31,000। उसके बाद ऐसे ही चलेंगे तो 33 35 37, फिर 39, ये एग्जैक्ट बैटरी है, ठीक है। ऐसे ही करके हम पूरा बी तक जाएंगे, बी तक जाते जाते हमारी जो बी की डिजिट आ जाएगी वो कितनी आएगी, 39 के बाद डॉट्स काउंट कीजिए दो दो के गैप पे, 41 43 45 47 49 51 53। अब जो ए की डिजिट आई है वो कितनी आई है, 31, और जो बी की आई है वो कितनी आई है, 53। अब जो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है डिस्टेंस का, तो 53,000 - 31,000 कितना होगा, 22। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कितना आया, ऑप्शन 4, 22, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 1/16 किलो शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 3 1/4 किलो ऑफ शुगर। कितने पैकेट्स बन सकते हैं 1/16 किलो शुगर के 3 1/4 किलो शुगर में से। तो हमें पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करना होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 को 4 से इंटू किया, 3 को 4 से, एक सेकेंड, हाँ 3 × 4 + 1/4 ऐसे ही करेंगे ना इसको। देखिए ये आ जाएगा 3 × 4 = 12 + 1 = 13 × 4। अब इसमें से कितने पैकेट्स बनेंगे 1/16 के, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/16 से। अब 13/4 इसको रेसिप्रोकल करके इंटू में लाएंगे 16/1, 4 से 4 16 कर गया तो ये कितना हुआ 13 × 4, जो कि आंसर आया 52। तो कितने पैकेट्स बनेंगे, 52। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, 52, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 50 का आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 51, हरीश स्टार्टेड हिज जर्नी एट 1840 एंड फिनिश्ड एट 2220, द टाइम टेकन इन कम्प्लीटिंग द जर्नी इज। यहाँ पर हरीश है एक लड़का, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है 1840 पे, 1840 कौन सा टाइम हुआ, 6:40। अगर हम 12 ओ क्लॉक के बाद कंटिन्यूसली 13:14 से स्टार्ट करें टाइम मेजर करना तो 18:06 पे आता है। इसका मतलब यहाँ पे 6 hours 40 minutes का टाइम हुआ और उसने अपनी जर्नी फिनिश की है 22 hours 20 minutes, तो इसका मतलब है 10:20 पे 22:10 पे आता है, ओके, अगर हम टाइम ऐसे मेजर करते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हम यहाँ पे कैसे डिफरेंस निकालेंगे, जो 6:40 का टाइम है, जो यहाँ पर 6:40 का टाइम है उसको लिखेंगे हम 6 hours 40 minutes एंड 10:20 की टाइम का बीच का डिफरेंस, ठीक है। 7:40 को हम मानेंगे एक घंटा, 7:40 होने पर एक घंटा कंप्लीट किया, 8:40 होने पर 2 घंटे कंप्लीट किए एंड 9:40 होने पर 3 घंटे कंप्लीट हुए, तो 3 hours तो ये वैसे ही हो गए। अब 9:40 से हमें 10:20 तक जाना है तो हमें कितना टाइम और इसमें प्लस करना पड़ेगा, 9:40 से 10 o'clock तक 20 minutes एंड 10 o'clock से 10:20 तक 20 minutes और, तो 3 hours 40 minutes हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1, 3 hours 40 minutes उसकी जर्नी का डिफरेंस हुआ 3 hours 40 minutes। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, अ बकेट ऑफ कैपेसिटी 2000 milliliter इज टू बी फिल्ड बाई यूजिंग कंटेनर्स मेजरिंग 200 ml एंड 300 ml
Which one of the following combination of container is not correct for filling the bucket completely by the containers of 200 and 300 ml respectively? इस क्वेश्चन में बोला है एक बकेट है, एक बाल्टी है जिसकी कैपेसिटी है 2000 मिलीलीटर, उसके अंदर 2000 मिलीलीटर की का पानी या कुछ भी लिक्विड आ सकता है, कैपेसिटी उसकी इतनी है ओके और उसको हमें 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर की कंटेनर्स में बांटना है। तो इसमें पूछा है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है जिसमें से इस 2000 कैपेसिटी के कंटेनर्स बन सकते हैं 200 300 मिलीलीटर के कंटेनर्स को यूज़ करके। तो सबसे पहला ऑप्शन है 1 और 6। इसमें हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें हम इसको लेंगे पहले ऑप्शन में डालेंगे, जैसे कि 2000 है मिलीलीटर है, इसमें हमें दो टाइप्स की कंटेनर बना लिए, एक 200 ml के एक 300 ml के। तो 200 और 300 इनमें हमें ये सारे ऑप्शन फिट करके देखने हैं। फर्स्ट ऑप्शन फिट करेंगे 200 into 1 तो कितना आया 200 एंड 300 into 6 कितना आया 1800। अब हम 1800 में 200 प्लस करेंगे तो 2000 आएगा, 2000 कैपेसिटी फिल हो रही है इसमें, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये फुलफिल हो रहा है। अब सेकंड ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन हुआ 4 4। अब 200 को 4 से इंटू करेंगे कितना आया 4 2 8 800 आया। अब 300 को 4 से इंटू करेंगे कितना है 12। अब 12 प्लस 800 कितना हुआ 2000, ये भी फुलफिल हो रहा है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है ये भी। अब थर्ड ऑप्शन को हम इसमें करके देखेंगे, थर्ड ऑप्शन है 7 और 2, 200 into 7 इज इक्वल टू 1400 एंड 300 into 2 इज इक्वल टू 600। अब 1400 में 600 हम प्लस करेंगे तो 2000 आएगा, तो ये भी फुलफिल हो रहा है, तो ऑप्शन ये भी करेक्ट है। लेकिन हमें इसमें पूछा है कि कौन सा फुलफिल नहीं हो रहा है, कौन से में ऑप्शन में 200 300 के कंटेनर्स नहीं बन पाएंगे फुल कैपेसिटी पूरी करके। तो ऑप्शन फोर्थ बचा, फोर्थ ऑप्शन डाल कर देखिए 200 into 6 इज इक्वल टू 1200 एंड 300 into 3 इज इक्वल टू 900। तो टोटल कितना हुआ 1200 प्लस 900 2100, जो कि फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इसमें इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हुआ 4 6 3 ओके। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 53। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ 7.1 into 3.85 upon 9.09। ये जो हमें फिगर दी गई है मल्टीप्लिकेशन की, इस और इसमें हमें बताना है कि हम इसको अप्रोक्सीमेशन का मेथड कैसे यूज़ करके सही वे में लिख सकते हैं। उस जिस आप जैसा कि जानते हैं 7.1 है, 7 के बाद 0.1 है, पॉइंट के बाद 1 है। अगर यहाँ पे 0.5 होता तो 5 से जितने भी कम वाले पॉइंट्स पे नंबर आते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो हम 7 है तो इसमें 7 ही लेंगे। अगर यहाँ पे 0.5 के बाद आता कुछ या 0.5 ही आता तो हम उसमें एक डिजिट बढ़ी रहते हैं। तो यहाँ पे 7.1 है तो हम यहाँ पे 7 ही लेंगे इसका अप्रोक्सीमेशन। इसमें हम 7 ले लेंगे इनटू यहाँ पे 3.8 है, अब 3 के बाद पॉइंट के बाद 8 है, अब इसमें हमें 4 लेना पड़ेगा क्योंकि 0.5 के बाद और 0.5 जिसमें आता है उसमें हमें एक डिजिट नेक्स्ट लेनी पड़ती है आगे, सबसे आगे वाले डिजिट के। तो यहाँ हम 4 लेंगे इसकी अप्रोक्सीमेशन डिजिट, अपॉन में 9 के बाद पॉइंट में 0 है तो 0 तो छोटा ही हो गया सबसे, तो इसमें भी हमें 9 लेना पड़ेगा इसका अप्रोक्सीमेट। अब इसको 7 into 4 by 9, ये कौन से ऑप्शन में है 7 into 4 by 9, ये ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 53 ओके। नाउ क्वेश्चन 54। इफ वन स्मॉल एरिया इन द ग्रिड इज ऑफ एरिया 4 square units, what is the perimeter of the rectangle drawn on the grid? यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे बॉक्सेस दिए गए हैं, इसमें ग्रिड भी बनाई गई है जो आपको ये दिख रही है ना, डार्क कलर से बनाई गई है ये ब्लैक स्केच से, ये ग्रिड है ठीक है। इसमें कितने
इसमें जो हर एक छोटा स्क्वायर फॉर्म हो रहा है उसका एरिया दिया गया है 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये जो छोटा स्क्वायर है इसमें बने हुए बहुत सारे इतने टाइप के, ये इन सब का एरिया है 4 स्क्वायर यूनिट अलग अलग, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है जितने बीच में ग्रिड ड्रॉ की गई है इन्होंने, ब्लैक से आउटलाइन की गई है, उसमें जितने भी स्क्वायर्स आ रहे हैं उन सब का टोटल मिलाकर इस ये पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर कितना है, सॉरी पेरीमीटर पूछा है। तो अब आप देखिए, जब एक स्क्वायर का एरिया दिया गया है इन्होंने 4 स्क्वायर यूनिट, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर एरिया है तो हम ए स्क्वायर को किसके इक्वल रखेंगे, 4 के, क्योंकि इसका हर एक स्क्वायर का एरिया 4 दिया गया है। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 4 यानी कि 2 इसकी एक साइड का लेंथ हो गई, एक स्क्वायर की लेंथ हो गई एक साइड की 2, तो यहाँ की भी 2 हो जाएगी, यहाँ की भी 2 और यहाँ की भी 2, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो पूरा रेक्टेंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये जो यहाँ पे पूरा रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है इसमें जो ये लेंथ है, ब्रेथ है, इसमें 2 ये फॉर्म हो रहे हैं ऐसे, तो इसमें एक उसकी 2 है तो दूसरे की भी 2 हो जाएगी, तो टोटल कितनी लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ हो जाएगी इस रेक्टेंगल की 4। अब हमें इसकी लेंथ भी बतानी होगी, इसकी लेंथ होगी ये, तो इसमें कितने आ रहे हैं स्क्वायर्स, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर्स आ रहे हैं इस पूरी ग्रिड में, ऐसे अगर हम देखें तो ब्रेथ 4 आई हमारी और लेंथ आएगी, ब्रेथ इज इक्वल टू 4, लेंथ आएगी कितने स्क्वायर्स फॉर्म हो रहे हैं, 4 into 4, ठीक है, सॉरी 4 into 4 नहीं, इसकी कितनी आई थी हमारी, 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारी 4 आई, लेंथ निकालने के लिए ये जो पूरा एक स्क्वायर है ये कितने 4 से इंटू करना पड़ेगा, एक स्क्वायर की वो कितनी थी साइड, 2 into 4 जो कि आई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, लेंथ और ब्रेथ हमारे पास आ गई हैं तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ 2 into L + B। अब इस फॉर्म में अब आप डालिए क्या आएगा आंसर, इस फॉर्म में अगर इस फॉर्मूले में अगर हम डालेंगे तो आएगा 2 into लेंथ कितनी थी 8 + ब्रेथ कितनी थी 4, अब 2 into 12 दैट इज 24, इसका आंसर क्या हुआ, 24 यूनिट्स, ऑप्शन 3 इज। क्वेश्चन नंबर 55, अ चाइल्ड स्कोर्ड 75 मार्क्स इन ईच ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स, वॉट इज़ द मीडियन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई द चाइल्ड। इसमें कहा गया है एक बच्चा है उसने 75 मार्क्स स्कोर किए हैं, उसके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5ों में उसके 75 मार्क्स हैं, तो इसमें उसका मीडियन पूछा है कि जितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं उस पूरे का मीडियन बताना है। अब देखिए, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें जैसे मीडियन निकालने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं मीडियन के, मीडियन इज इक्वल, 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ऑड के लिए और एक इवन के लिए। ऑड के लिए कौन सा यूज़ होता है, जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड में हो तो n+1/2, और जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन में हो तो n/2। अब देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती हैं, ऑब्जर्वेशन कितनी मानेंगे हम यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर होंगी 75 75 75, कितने सब्जेक्ट है 75 75, 5 सब्जेक्ट हैं, 5 बार हमने ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n कितना हुआ, 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स है। अब 5 क्या है, ऑड, अब ऑड के लिए हमें हमारे पास कौन सा फार्मूला है मीडियन निकालने के लिए, ऑड के लिए फार्मूला है n+1/2। अब हम करेंगे 5+1/2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 6/2, काटेंगे तो 3 आएगा। अब 3 जो है उसमें थर्ड यूनिट, जो ऑब्जर्वेशन होती है हमारे पास जैसे इसमें जो आता है उसके थर्ड नंबर वाली
यू वो हमारा मीडियन माना जाएगा। थर्ड नंबर पे क्या है, इसमें तो सारे 75 ही थे, तो थर्ड नंबर पे भी 75 आएगा, तो इसका मीडियन कितना हुआ, 75। थर्ड नंबर ये है, 75 इसका मीडियन हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन फर्स्ट 75 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 56। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म द गिवन सॉलिड। जो यहाँ पे एक ये फिगर दिया हुआ है आपको, ये वाला, इसको अगर इसमें पूछा है कि ऑप्शन में से कौन सा, जब हम इसको खोलेंगे तो कौन सा फिगर बनेगा, ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा। अब आप देखिए, इसको ये जो पूरा आपका बना हुआ है ऐसे, अगर अब आपको आप इस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इनको अपनी अपनी जगह खोल देंगे तो कौन सा बनेगा, देखिए आप, ये बनेगा ऐसे, ये ऐसे है तो ये खुलकर इधर की साइड अगर आएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, तो यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, बीच वाला ही रहेगा। उसके बाद अब हम इस वाली पोर्शन को अगर हम खोलेंगे तो ये भी ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और जब हम नीचे वाले पोर्शन को खोलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो कौन सा फिगर बना, ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में, ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड में ही है। अगर अब आपको ये जो फिगर दिया हुआ है, खोलेंगे आप इस वाले फिगर को, तो ये ऐसे बनेगा, बीच वाला ऐसे ही रहेगा, इस ये वाला ट्राइंगल खुल के ऐसे हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल खुल के ऐसे हो जाएगा, और नीचे वाला ट्राइंगल खुल के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल फिगर कौन सा बना है, ऑप्शन नंबर टू वाला, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज टू। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। इफ रेड पार्ट इन द फॉलोइंग पाई चार्ट इज 40, व्हाट इज द व्हाइट पार्ट। इसमें बोला गया है, जो यहाँ पे रेड पार्ट दिया गया है, ये है रेड पार्ट, ये वाला पोर्शन रेड पार्ट का है, तो ये 1/2 दिया गया है रेड पार्ट। अब इसमें 1/2 किसके इक्वल दिया है पाई चार्ट में, रेड पार्ट 40 के। अब तो रेड पार्ट कितना होगा, 1/2 को 40 के इक्वल रखेंगे तो कितना आएगा, इज इक्वल टू 40 × 2, 80। तो रेड पार्ट टोटल कितना हुआ, 80, ठीक है, 80। अब जब रेड पार्ट 80 है, ये पूरा पोर्शन रेड पार्ट का कितना है, 80 के इक्वल। अब इसमें हमें वाइट पार्ट पूछा है, अब वाइट पार्ट क्या है, ये वाला वाइट पार्ट है 1/8। जब ये पूरा हाफ 80 है तो ये पूरा हाफ भी 80 होगा इन तीनों को मिलाकर। तो अगर इनमें जो फ्रैक्शन दिए गए हैं, येल्लो का 1/4, ब्लू का 1/8, वाइट का 1/8, तो ये जो 80 पार्ट है दोनों का, इसमें से इनके फ्रैक्शंस निकाल देंगे 1/4, 1/8 और 1/4 का। अब जैसे वाइट पार्ट का कितना है, 1/8 है, इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना होगा, 10, 10 × 1, 10, तो कितना आया वाइट पोर्शन, 10। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 10 का है, 2, ऑप्शन नंबर इज 2 इज करेक्ट। ओके, अब 58 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सॉलिड शेप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप व्यू ऑफ द गिवन सॉलिड। हाँ, चार ऑप्शन दिए हैं, इस ये जो आपको फिगर दी गई है इसको ऑब्जर्व करेंगे अगर आप ऊपर से देखेंगे, टॉप से, जैसे ये यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे ये पूरी फिगर यहाँ पे ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ये पूरी फिगर रखी हुई है। अगर आपको यहाँ से, यहाँ आप खड़े हैं ऐसे, अगर अपना फेस यहाँ है आपका, यहाँ से इस पूरी फिगर को ऐसे अपनी नज़रों से देखेंगे तो ये पूरा ऊपर वाला व्यू कौन सा दिखेगा आपको, ऊपर से कैसा दिखेगा, ये चार रेक्टेंगल्स, चार स्क्वायर से तो दिखेंगे ना ऊपर ऊपर के, तो इसका इसमें यही पूछा कि ऊपर का व्यू कौन सा होगा, गिवन ऑप्शन में से कौन से करेक्ट है। ऊपर का व्यू चार, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, चार जो आपको ट्राइंगल्स दिखेंगे, सॉरी स्क्वायर्स दिखेंगे इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मोर। इनमें से जो ऑप्शन जो ये दिए हुए हैं, इनमें से फर्स्ट और सेकंड में से कौन सी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, अब हमें ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, 200 पैकेट्स ऑफ 250 रुपीज़ ईच। 200 पैकेट हैं और एक, हर एक पैकेट कितने का है, 250 का, तो 200 को 250 से इंटू करेंगे तो टोटल पैकेट की कॉस्ट आ जाएगी, कितना आएगा, 0000 500 500 0 5 2 10 200 200 2 4, कितना आया टोटल, ये आ गया 50,000, कितना आया,
50,000 आ गया 200 को अगर हमने 250 से इंटू किया तो कॉस्ट आ गई 200 पैकेट्स की 50,000। तो फर्स्ट पार्ट की कॉस्ट कितनी आई 50,000। ठीक है, अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, 20 dozens ऑफ 250 रुपीज़ ईच आइटम। अब dozens 20 हैं, एक डजन कितने का होता है 12 का, तो 12 पूरे कितनी कॉस्ट कितना हो गया 12 को 2 से इंटू करेंगे तो 24 और 0 240। अब 240 जो dozens की वो आई पूरी उसको 250 से इंटू कर देंगे क्योंकि हर एक वो 250 का है। ठीक है, कितना आएगा 5, एक मिनट स्क्रीन पे दोबारा सॉल्व करते हैं। 240 इंटू 250 0 0 0 5 0 0 5 0 5 4 20 टू कैरी 5 2 10 11 12 2 0 0 0 2 4 8 2 2 4। वेट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई है, एक सेकेंड हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। जो ये 240 हमारा आया था डजन से इंटू करने के बाद 20 से, इसको हम इंटू करेंगे 250 से। करिए आप भी सॉल्व अपनी अपनी कॉपीज में। हाँ तो कितना आएगा, ये आया 60,000। तो कॉस्ट किसकी ज़्यादा हुई, सेकेंड ऑप्शन की। तो यहाँ पे यही पूछा था कि किसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, सेकेंड की। तो ऑप्शन सेकेंड में ही सेकेंड है, तो करेक्ट ऑप्शन 2 हुआ इसमें। ठीक है, 59 का करेक्ट ऑप्शन 2 हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 60। द सम ऑफ 1 -1 +1 -1 +1 -1 डैश डॉट 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 टू इवन नंबर ऑफ टर्म्स इज 0 -1 +1 or 2। इसमें पूछा गया है कि इसका सम क्या होगा, जो ये गिवन फिगर दी गई है 1 -1 +1 इवन नंबर तक अगर मिल ले जाते हैं तो क्या होगा सम। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस होते हैं आप जानते हैं। अब देखिए पहले वाला जो है वो प्लस है, दूसरे वाला माइनस वन है, प्लस माइनस से कट के जीरो हो गया। ये वाला प्लस वन है, यहाँ पर माइनस है, सॉरी एक सेकेंड, ये फिगर है 1 -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है, यही फिगर है, देख लीजिए आप ध्यान से। अब पहले वाला प्लस वन है, दूसरे वाला माइनस वन है, इसको इससे काटेंगे तो जीरो आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस वन है, उसके बाद माइनस वन है, काटेंगे जीरो आ जाएगा, उसके बाद प्लस वन है, उसके बाद माइनस वन है, तो ये काट के जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर टोटल अगर हम इवन नंबर तक भी लें तो भी जीरो है, कटता चला जाएगा, जीरो इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हमारे ये मैथमेटिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस का है, अभी हमने मैथमेटिक्स ही सॉल्व कराई है। ओके, तो आपको कैसा लगा ये मैथमेटिक्स पोर्शन सॉल्विंग सेशन, आप कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।